हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की नई तो वीडियो है। फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम ओटीपी लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, देन उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू करें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोर मेथड है लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर के अंदर, इसके अंदर हमने लॉगिन की जो फंक्शनलिटीज़ है वो हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हमने वैलिडेट किया था, देन उसके बाद जो यूज़र है वो हमने उसको गेट किया था, देन इनेबल टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है वो हमने यहाँ पर चेक किया था। तो अगर इनेबल है तो उसके लिए हम एक कोड कर रहे थे, देन अगर डिसेबल है तो उसके लिए हम इस बार पे कोड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो ओटीपी हमने 6 डिजिट का वो हमने जनरेट किया है, देन उसको हम ईमेल ओटीपी जो टेबल है उसके अंदर हमने इंसर्ट कराया था, देन हमने जो ईमेल जो है उसको हमने सेंड किया था, ठीक है। देन यहाँ पर जो लॉगिन ईमेल एंड पासवर्ड है उसको हमने सेशन वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कराया था। देन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, रिटर्न रिडायरेक्ट टू राउट, मतलब यूज़र को हम वेरीफाई डॉट ओटीपी राउट के अंदर रिडायरेक्ट करा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे और देखेंगे कि वेरीफाई डॉट ओटीपी राउट के अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर हम web.php फाइल के अंदर जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं वेरीफाई ओटीपी के अंदर जो कोड है वो क्या हो रहा है, इस रजिस्टर्ड विद ओटीपी कंट्रोलर के अंदर वेरीफाई ओटीपी नाम का एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या कोड इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ठीक है। तो वेरीफाई ओटीपी जैसे हम फाइंड करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी के अंदर एक व्यू रिटर्न हो रहा है, तो जिसका नाम है email_otp_verify। तो हम चाहे तो ये सेम वाला जो ब्लेड फाइल है वो हम रिटर्न करा सकते हैं या फिर हम एक नया क्रिएट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे नया एक जो ब्लेड फाइल है वो हम क्रिएट करेंगे ओटीपी के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हमारा राउट के अंदर एंड एक नया राउट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पुराना जो राउट है उसको हम कॉपी करेंगे एंड नीचे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसका जो URL हम रखेंगे verify/otp/login, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हम कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं वो है login with OTP controller, ठीक है। एंड मेथड का जो नाम होगा वो verify OTP हम रखने वाले हैं, एंड यहाँ पर जो राउट का जो नाम हम देंगे verify OTP.login, ठीक है। तो आइए ये वाला मेथड अब इम्प्लीमेंट करते हैं, चलेंगे login with OTP controller के अंदर एंड यहाँ पर हम नीचे जाएंगे एंड करेंगे पब्लिक फंक्शन एंड देन वेरीफाई ओटीपी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न व्यू, हमें एक व्यू रिटर्न करना होगा जो व्यू हम अभी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर auth_otp के अंदर email_otp_ जो वेरीफाई ब्लेड है ये वाला जो फाइल है हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे एंड इस वाले फाइल को हम रीनेम करके हमने कर दिया email_otp_login_verify.blade.php, ठीक है। तो हमने इस नाम को कॉपी कर लिया एंड देन एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो लेआउट है आप देख सकते हैं email_otp_login_verify.blade.php ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम लॉगिन विद ओटीपी कंट्रोलर के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो व्यू फाइल है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो वो कहाँ पर है, वो है auth_otp फोल्डर के अंदर। ब्लेड फाइल का नाम क्या है, email_otp_login_verify, ठीक है, मतलब auth_otp एंड देन email_otp_login_verify। तो ये हमने जो व्यू फाइल है वो हमने रिटर्न कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम फिर से जाएंगे अपने लॉगिन कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड हम वेरीफाइड और ओटीपी राउट के अंदर पहले रिडायरेक्ट हो रहे थे, तो उसको हम चेंज करके हम उसको कर देंगे लॉगिन के अंदर। तो उसको हमने चेंज करके कर दिया verify.otp.login के अंदर, मतलब ये वाला राउट जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, तो चलेंगे अपनी इस वेरीफाई वाले जो ब्लेड फाइल है उसके अंदर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओटीपी है उस ओटीपी को हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे या फिर पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फिर से राउट क्रिएट करना होगा जो कि पोस्ट राउट होने वाला है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई एंड रजिस्टर है, तो इसको हम चेंज करके कर देंगे वेरीफाई एंड लॉगिन, ठीक है।
ये हमने कर दिया। अब ये वाला जो राउट है वो आइए क्रिएट करते हैं। तो फिर से जाएंगे वेब डॉट पी एच पी फाइल के अंदर एंड ये वाला जो राउट है वो हम पहले तो कॉपी कर लेंगे एंड नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आइए इसको चेंज करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट राउट है वेरीफाई ओटीपी देन लॉगिन देन स्टोर। यहाँ पर जो कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर के अंदर यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर मेथड का जो नाम हम सेम रखेंगे वेरीफाई ओटीपी स्टोर एंड इस राउट का जो हम नाम देंगे वो है वेरीफाई डॉट ओटीपी डॉट लॉगिन डॉट स्टोर। ठीक है, क्योंकि ये हम लॉगिन पर्पस यूज़ कर रहे हैं। तो फिर से हम जाएंगे ईमेल ओटीपी लॉगिन के अंदर एंड यहाँ पर हम इसको चेंज करके करेंगे वेरीफाई डॉट ओटीपी डॉट लॉगिन डॉट स्टोर। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। अब फिर से हम जाएंगे अपने लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर के अंदर एंड ये वाला जो फंक्शन है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक फंक्शन वेरीफाई ओटीपी स्टोर एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट हम इंपोर्ट करेंगे। रिक्वेस्ट वेरिएबल हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या कोड करना होगा वो आइए एक बार रेफरेंस के तौर पे रजिस्टर्ड कंट्रोलर से ले लेते हैं। तो फिर से हम जाएंगे रजिस्टर्ड विथ ओटीपी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम वैलिडेशंस लगा रहे हैं ओटीपी का, इसी को हम कॉपी करेंगे लॉग इन ओटीपी के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वैलिडेशन का काम हम कर चुके हैं। फिर से जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेशन वेरिएबल है वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेम है इस नेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए एंड यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन अंडरस्कोर ईमेल है तो यहाँ पर लॉगिन अंडरस्कोर ईमेल होने वाला है एंड लॉगिन अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, नीचे जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो ओटीपी है उस ओटीपी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर हम फिर से ये जो दो लाइन है इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर के अंदर जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो वेरीफिकेशन वाला काम है वो हमने यहाँ पर कर चुका। फिर से जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लॉगिन का जो काम है या फिर कोड है वो हमें यहाँ पर करना होगा। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे वो है auth:attempt। ठीक है, अब ये जो auth हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर जो इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसड auth ये वाला नेम स्पेस आपको यूज़ करना है। ठीक है, नीचे जाएंगे auth attempts एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड एक एरे पास करेंगे एंड उसके अंदर हम ईमेल पास कर देंगे। ईमेल कहाँ पर है हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल हम रिसीव कर रहे हैं सेशन वेरिएबल से एंड देन पासवर्ड। ये भी हम सेशन वेरिएबल से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब auth attempt यहाँ पर हमने ईमेल एंड पासवर्ड दोनों हमने भेज दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पर आपको कहना होगा कि यहाँ पर जो पासवर्ड यूज़ हो रहा है auth attempt के अंदर वो नॉर्मल पासवर्ड एज ए प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम हैश मेक कर रहे हैं जब हम सेशन वेरिएबल के अंदर पासवर्ड को स्टोर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर हैश मेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। नीचे जाएंगे अब auth attempt का जो कोड है वो हमने यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे if कंडीशन पे ये auth attempt चेक कराएंगे। अगर auth attempt नहीं हुआ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रीडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को, मतलब ये वाला जो लाइन है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, हम इसको पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ इनपुट विथ मैसेज। मैसेज के अंदर क्या है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये हमने मैसेज पास कर दिया। तो मतलब ये है कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये वाला जो मैसेज है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम नीचे आएंगे। अब हमें सिर्फ एक काम करना है वो है यूज़र को रीडायरेक्ट कर देना है कहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर। तो हम ये वाला जो लाइन है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, चलेंगे लॉगिन कंट्रोलर पे एंड इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब दो चीज़ हमें यहाँ पे करना है जैसा कि ईमेल ओटीपी जैसे वेरीफाई हो जाता है तो उसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं तो हम उसको डिलीट कर देंगे जैसे हमने रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर किया था। तो हमने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद क्या करेंगे इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है,
तो अगर वेरिफिकेशन का काम ख़त्म हो जाता है तो ये सेशन वेरिएबल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर रिडायरेक्ट होने से पहले। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है, पहले तो नेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, एंड रजिस्टर की जगह पे हम लॉगिन का यूज़ करेंगे, जैसे लॉगिन अंडरस्कोर ईमेल एंड लॉगिन अंडरस्कोर पासवर्ड। यहाँ पर हमने क्या किया फ्रेंड, जो सेशन वेरिएबल है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यूज़र फाइनली क्या हो रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है डैशबोर्ड के अंदर। तो आइए अभी ये जो कोड है वो हम एक बार टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र टेबल के अंदर एक यूज़र है जिसका ईमेल आईडी है टेस्ट, एंड अगर हम ईमेल ओटीपी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर खाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एंड जो ईमेल आईडी है test@gmail.com वो एंटर करेंगे एंड पासवर्ड 123456 78। लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉगिन स्टोर पे आके ये ब्लैंक स्क्रीन आ चुका है। और ये क्यों है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम अपने कोड पे जाएंगे प्रिंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इस कोड के अंदर जाएंगे मतलब स्टोर वाले मेथड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर ये ट्रू है उस केस में क्या होगा, ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स है तो यहाँ पर एल्स पार्ट हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जो हम थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे फ्रेंड एंड यहाँ पर यूज़र टेबल के अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पर डिसेबल है। तो हम सबसे पहले इसको इनेबल कर देते हैं, हमने इसको मैनुअली इनेबल कर दिया है। एंड अगर हम बैक करेंगे एक बार फिर से इसको रिलोड करके टेस्ट करते हैं, हम यहाँ पर जो ईमेल आईडी डालेंगे फिर से 123456 78 पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी हमारा जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़र का वो अभी इनेबल है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम अभी एंटर ओटीपी स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो अपना ओटीपी है वो हमें यहाँ पर इंटर करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई एंड लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम चलेंगे अपनी mailtrap.io के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें मैसेज या फिर मेल रिसीव हो चुका है, पर ये जो सब्जेक्ट लाइन है वो हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलेंगे कोड पे, अच्छा ठीक है, तो वो हम बाद में चेंज करते हैं, अभी वेरीफिकेशन का जो काम है वो एक बार कंप्लीट करके देखते हैं। तो यहाँ पर 621869 चलेंगे, 621869 हमने यहाँ पर जो ओटीपी है वो हमने डाल दिया है, वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुका हूँ एंड रीडायरेक्ट हो चुका हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अगर यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है एंड यहाँ पर जो ईमेल ओटीपी है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से इसको लॉगआउट करते हैं एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम यूज़र टेबल के अंदर जाएँ एंड इसको अगर हम ज़ीरो कर दें तो हमें ये वाला मतलब एल्स वाला काम इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। चलेंगे कोड पे, अब हमें क्या करना होगा प्रिंट, नीचे जाएंगे, यहाँ पर एल्स वाला पार्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा प्रिंट, बिल्कुल ईजी है, हमें ये वाला जो पार्ट है इसको हमें कॉपी करना है एंड चलेंगे अपने एल्स पार्ट के अंदर एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है वो हमें ठीक तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमें करना है रिक्वेस्ट ईमेल एंड देन रिक्वेस्ट पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट ईमेल एंड पासवर्ड है वो हम कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट वेरिएबल से पास कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे, अगर ऑथ अटेम्प्ट सेम हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को रीडायरेक्ट करा देंगे डैशबोर्ड के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला जो लाइन है वो चाहिए, हमने इसको रीडायरेक्ट करा दिया डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो आइए इसको अभी इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर चेक करते हैं, चलेंगे अपनी कोड पे एंड एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। सेम हम यहाँ पर test@gmail.com ईमेल आईडी हमने दे दिया एंड पासवर्ड 123456 78, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र जो है विदाउट ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया कि किस तरह से आप यूज़र के थ्रू ओटीपी लॉगिन आप करा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट लाइन है मतलब यहाँ पर जो ईमेल है उस ईमेल की जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट
जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पर एक ही ईमेल फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल जो फंक्शनैलिटी की जो ईमेल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आइए अगर हम चलेंगे मेल के अंदर एंड यहाँ पर ईमेल ओटीपी मेल जो फंक्शनैलिटी है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी मल्टीपल यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसको चेंज करके करूँगा ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। ये हमने कर दिया है। एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी व्यू के अंदर जाएंगे ईमेल एंड देन ईमेल ओटीपी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर योर ओटीपी कोड एंड प्लीज़ यूज़ दिस कोड टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी सेम टेम्पलेट हम मल्टीपल मतलब लॉगिन के लिए भी एंड रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो हमने क्या किया फ्रेंड, तो अगर हम ये वाला जो यूज़ आ रहा है इसकी अगर हम प्रोफाइल ऑप्शन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनेबल डिसेबल, ये यहाँ पर डिसेबल है मतलब हमें इसको इनेबल करना है। अगर हम इनेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है मतलब अभी यहाँ पर डिसेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे एंड फिर से लॉग इन पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम अपना जो test@gmail.com ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड 123456 हम डालेंगे एंड देन लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर ओटीपी लॉगिन स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगर हम मेल ट्रैप के अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं अभी ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का जो ईमेल है वो मुझे मिल चुका है। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी है एंड यहाँ पर प्लीज़ यूज़ दिस कोड टू कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। ठीक है, तो 986073 हमने OTP एंटर कर दिया है, वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉग्ड इन हो चुके हैं। तो आई होप आपको अभी समझ में आ चुका है किस तरह से आप OTP लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।